तो हेलो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इस टाइप का ग्लोइंग लाइटिंग थंबनेल फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं, वो भी बस पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप भी कुछ इस टाइप का ग्लो लाइन थंबनेल फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन में वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। देन पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपका सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको उसी प्लस वाला आइकन में क्लिक कर देना है। देन प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको उसी एडिट ए फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन एडिट ए फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक बैकग्राउंड दे दूंगा। आपको क्या करना है, उसी बैकग्राउंड को पहले डाउनलोड कर लेना है। देन उसी बैकग्राउंड को डाउनलोड करने के बाद आपको उसी बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर देना है। देन उसी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद आपका सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, उसी टूल्स वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन टूल्स वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको उसी क्रॉप वाला आइकन में क्लिक कर देना है। देन क्रॉप वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपका थंबनेल का साइज को सिलेक्ट कर देना है। आपका थंबनेल का साइज क्या है गाइस, 16:9। आपको उसी 16:9 वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन 16:9 वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको उसी डन वाला आइकन में क्लिक कर देना है। देन उसी डन वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, उसी स्टिकर वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन स्टिकर वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको उसी सर्च वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है और यहाँ सर्च बॉक्स में आपको शैडो सर्च कर देना है। देन शैडो टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। देन शैडो सर्च करने के बाद आपका सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको ये तीन नंबर में जो एक आइकन है, आपको उसी स्टिकर को सिलेक्ट कर देना है। देन उसी स्टिकर को सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका फिंगर से बड़ा कर लेना है। देन फिंगर से बड़ा करने के बाद आपको उसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। देन गाइस अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसका ओपेसिटी को 50 या 55 के बीच में रख देना है। देन उसके बाद आपको उसी डन वाला आइकन में क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस आपको उसी एड फोटो वाला आइकन में क्लिक कर देना है। देन एड फोटो वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आप जिस भी फोटो में ग्लोइंग लाइन इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, आपको तो पहले उसी आपका फोटो को ऐड कर लेना है। देन उसी फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसी ऐड वाला आइकन में क्लिक कर देना है। देन आपको अच्छे से बड़ा कर लेना है। देन उसके बाद गाइस आपको उसी फोटो को आपका बैकग्राउंड को बस एक ही क्लिक में इरेज करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको उसी रिमूव बीजी वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देख सकते हो गाइस नीचे एक रिमूव बीजी का एक ऑप्शन है, आपको उसी रिमूव बीजी वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन गाइस उसके बाद आपका सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको उसी रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन उसी रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका स्क्रीन का सामने ये कुछ सेकंड का लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने तक आपको वेट कर लेना है। देन गाइस देख सकते हो हमारा फोटो बस एक ही क्लिक में हमारा बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपका मॉडल को थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। देन अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको राइट साइड में खिसका के लेके आना है और अच्छे से एडजस्ट करके छोड़ देना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्लाइड कर देना है। थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद आपको क्या करना है, उसका शैडो को सिलेक्ट कर देना है। देन गाइस शैडो वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, उसका ब्लर को प्लस 100 कर देना है। देन ब्लर को 100 करने के बाद आपको उसका ओपेसिटी को भी प्लस 100 कर देना है। उसके बाद आपको उसका पोजीशन को सिलेक्ट कर देना है। देन पोजीशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको दोनों पोजीशन को -0 कर लेना है। -0 करने के बाद आपको उसका कलर को सिलेक्ट कर देना है। देन गाइस कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्लाइड कर देना है। देन थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद आपको आपका कलर को येलो कलर को सिलेक्ट कर देना है। देन येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो हमारा ये बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा सा हमारा ग्लोइंग लाइट इफेक्ट ऐड हो चुका है, लेकिन हमको और ज़्यादा इफेक्ट ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्लाइड कर देना है। देन थोड़ा सा स्लाइड करने के बाद देख सकते हो नीचे एक बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है गाइस, आपको उसी बॉर्डर वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन बॉर्डर वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको अगेन थोड़ा सा स्लाइड कर देना है। उसके बाद आपको अगेन उसी येलो कलर को सिलेक्ट कर देना है। देन येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो गाइस हमारा ग्लोइंग लाइन ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका फोटो का हिसाब से आप आपका अमाउंट को रख सकते हो। आपको 25 या 30 के बीच में रख सकते हो, जो कि हमारा फोटो एक अच्छा लुक दिख जाएगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपका साइड में एक बार क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको उसी स्टिकर वाला आइकन में क्लिक कर देना है। देन स्टिकर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर्च कर देना है लाइट। देन गाइस उसी सर्च वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका स्क्रीन का सामने बहुत ही सारा लाइट शो हो जाएगा। तो आपको कौन सा लाइट को ऐड करना है, आप ये देख सकते हो ये चार नंबर में एक येलो वाला लाइट है, आपको उसी येलो वाला लाइट को सिलेक्ट कर देना है। देन उसी येलो लाइट को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उसे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। देन अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपको आपका फोटो का ऊपर से लेके आना है और आपको यहाँ एक बार क्लिक कर देना है। देख सकते हो एक ऊपर एक ऑप्शन है, आपको उसी वाला आइकन में क्लिक कर देना है।
देन उसी वाला आइकन में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, मूव डाउन वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन गाइस उसी मूव डाउन वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद देख सकते हो गाइस हमारा मॉडल का पीछे ये ग्लोइंग लाइट इफेक्ट ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका ओपेसिटी को 60 या 65 के बीच में रख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसी डन वाला आइकन में क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हो हमारा ग्लोइंग इफेक्ट तो ऐड चुका है, लेकिन ये हमारा बैकग्राउंड से मैच नहीं करना है। उसी बैकग्राउंड को मैच करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेना है। देन थोड़ा सा सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी ड्रॉ वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। देन ड्रॉ वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद पहले तो आपका कलर को सिलेक्ट कर देना है, आपको आपका बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर देना है। देन बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसी सेटिंग वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है और आपका साइज को 100 कर देना है और आपका हार्डनेस को -0 कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपका मॉडल में अच्छे से थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से ड्रा कर लेना है। जो जो भी आपका मॉडल हो, आपको आपका मॉडल में अच्छे से ड्रा करने के बाद आपको क्या करना है, उसी ऊपर में जो एक आइकन है आपको उसी आइकन में क्लिक कर देना है। देन उसी आइकन में क्लिक करने के बाद आपका सामने कुछ स्टेप का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको उसी वाला आइकन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका सामने कुछ स्टेप का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये ओवरली वाला ऑप्शन में सिलेक्ट कर देना है। ओवरली वाला ऑप्शन में सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपका ओपेसिटी को 30 या 35 के बीच में रख लेना है। मैं 32 रख लेता हूँ। उसके बाद आपको उसी डन वाला आइकन में क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हो गाइस हमारा बैकग्राउंड में ये हमारा मॉडल अच्छे से मैच हो रहा है। उसके बाद देख सकते हो गाइस ये ग्लोइंग इफेक्ट, ग्लोइंग लाइट हमारा बॉडी का बीच में एक ही क्लिक में ऐड हो चुका है। देख सकते हो गाइस ये फोटो कितना ऑसम लग रहा है। उसके बाद देख सकते हो गाइस ये हमारा थंबनेल कितना अच्छा दिखने लगा है। उसके बाद गाइस आप यहाँ बहुत ही इजीली आपका जो जो भी टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ बहुत ही इजीली लिख सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। बाय बाय।